दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स निफ्टी 50 का इंडेक्स के बारे में, और सबसे पहले तो ITC का जो स्टॉक, आज ITC के स्टॉक के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानकारी हम आपको देंगे। आज की तारीख का याद रखिए, 23 तारीख है आज, और सितंबर में 2022 में आज की डेट आप नोट कर लीजिए। आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आप आज का प्रॉफिट नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी 50 के बारे में बता देता हूं मैं आपको कि कल के दिन क्या हुआ था और आज के दिन क्या आप कर सकते हैं इसमें। तो वीडियो को मैं बताता हूं, इसमें सबसे पहले तो आपको इसमें आप लेवल चेक करिए जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताए थे, उसके बाद एक दिन का टाइम फ्रेम देखते हैं अपन, एक घंटे का। एक घंटे में क्या हुआ है, क्या जोन बना था और जो मैंने बनाया था वो उसको ये इसने ओवरराइड किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये यहाँ पे आते हैं और ये अपन एक दिन का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, ये अपन एक घंटे का लगाते, एक दिन का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं दोस्त। तो ये चल रहा है अपना एक दिन का टाइम फ्रेम, ये तो एक डे के बाद एक घंटे का लगा देते हैं, सॉरी ये अपना एक हावर का टाइम फ्रेम है। आप इसमें देख रहे होंगे क्या ट्रेड लाइन दिख रही है आपको, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन मैं इसको थोड़ा और इजी कर देता हूँ आपके लिए, इसको एक मिनट में ही रहने देते हैं। इसमें क्या हुआ है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पे थे हम, इसको हमने यहाँ से पुल बैक करके देखा है, यहाँ पे ये फिर से इसने ड्रॉप करा है, ये देखिए आप यहाँ पे, सत्रह 629 पे जाके क्लोज हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 17800 के समथिंग से स्टार्ट हुआ और 17600 पर रुक गया, मतलब कुछ ज़्यादा भारी गिरावट नहीं है लेकिन एक हल्की फुल्की गिरावट के साथ बंद हुआ है फ्रेंड्स। और इसमें आपको लेवल मैंने दिए थे वो लेवल इस बार टच हो गए थे फ्रेंड्स, तो इसलिए कोई दिक्कत आया था इस बार। कल के लिए मैं लेवल बताऊँगा कल की वीडियो में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इसमें फेवर की रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, इसमें ये लगा देता हूँ जिससे कि आपको, सॉरी क्या है ये, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, ये देखिए नेटिव का बाद में बताऊंगा, पहले आपको ITC के स्टॉक के बारे में बता देते हैं। ITC का स्टॉक जो है वो एक काफ़ी अच्छी, इसमें एक न्यूज़ आ रही है वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें मैंने आपको इसमें एक फैब्रिक रेजिस्टेंस बताया था यहाँ पे, इसको मैंने आपको बताया था यहाँ पे, इसको थोड़ा हटा लेते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था ITC की आज शेयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी दी गई, लगातार बढ़ोतरी पर चल रहा है ये शेयर, और 1.5% का इसने अच्छा वो लिया है, पकड़ बनाई है आज के डेट में। तो आज के डेट में क्या होने वाला है ये मैं अभी आपको बता दूँ। अभी मैं सुबह के टाइम में ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, और आज सबसे पहले तो आपको एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, सबसे पहले ब्रेकआउट मार्केट ओपन होगा। आप ये बात नोट कर लें कि जो मार्केट है वो ब्रेक डाउन ही ओपन होगा, उसके बाद जो मार्केट ब्रेक डाउन होने के बाद कुछ रिदम बनाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा मार्केट, जब उसी वक्त आपको इसको पुट के लिए देखना है फ्रेंड्स। जितने भी फ्यूचर्स में जो शेयर बचे हैं आपके पास उसको आप होल्ड कर सकते हैं, एट द टाइम आप इसको यहाँ से 345 का इसने हाई तोड़ दिया फ्रेंड्स, हाई तो पहले भी तोड़ते ही आ रहा है, ये ITC का शेयर अच्छी ग्रिप पे है, ये बहुत अच्छा शेयर लग रहा है मेरे को। मैंने 250 पे होल्डिंग करा था इसका, लेकिन ये मैंने 309 पे बेच दिया था, टारगेट लोगों ने बताया था 325 टारगेट है,
एक अच्छा पीक बनाते हुए नीचे गिरा है फ्रेंड्स। फिर से यहाँ पे एक लॉन्ग अवर्ड डायरेक्शन में दिया है, लेकिन ये कल के डेट में नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड रहेगा और फिर ये एक अच्छा बनाता है। तो अगर आप इसमें पोजीशन देखना चाहते हैं तो 2 बजे के बाद, सॉरी 2 बजे से 3 बजे के बीच में कोई ट्रेड ना लें आप। सबसे पहले तो आपको इसको 11 बजे तक भी कोई ट्रेड ना लें। 11 बजे के बाद मार्केट को एनालाइज करने दें, चलने दें, क्या काम कर रहा है वो देखते हैं, तब आप उस पर ट्रेड लें फ्रेंड्स। ITC में कल के लिए मैं यही बताऊंगा, कल के लिए ये शेयर आराम से 2% डाउन जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं नोट कर लीजिए आप मेरी एक बात, यहाँ पे जो शेयर है ये कल की डेट में डाउनवर्ड जाएगा फ्रेंड्स। इसमें कुछ भी आप कर लीजिए, मैं इसमें बोल देता हूँ, इसमें ये डाउनवर्ड जाएगा फ्रेंड, क्योंकि इसमें ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा फ्रेंड्स। इसमें ये पोजीशन आप देख सकते हैं, इसमें ये पोजीशन बनी है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ये ग्रुप छोड़ रहा है, आप देख रहे हैं इसको लॉन्ग सिलेंड्रिकल क्यूब बना रहा है ये एक तरीके का नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप इस ITC के शेयर के साथ तो बने ही रहिए, आगे की वीडियो में मैं और बताते रहूँगा आपको। अभी के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। तो कल के डेट में मैंने आपको 2 ही चीज़ें बताई हैं, निफ्टी जो ब्रेकडाउन होकर वापस से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, वहीं ITC के शेयर में आप पोजीशन तभी लें जब मार्केट कल की डेट में जब ब्रेकडाउन होगा, तो आप इसमें देख सकते हैं फ्यूचर्स में जो आपके पास शेयर बचे हैं वो आप इसको होल्ड करिए, आपको लगातार प्रॉफिट में ही रहेंगे आप अगर इसको होल्ड कर लेते हैं पुट के लिए, OTM करके बेचें पुट। तो ठीक है गाइस, थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स।